है दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ये मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये 3 टमाटर हैं, मीडियम साइज़ के 3 टमाटर हैं, 2 प्याज है और इस तरह से गरम मसाला, 1 दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी वाली इलायची और ये 2 लौंग। इतने गरम मसाले हैं। और आप अगर चाहो तो 4 ये लहसुन दे सकते हो, और लहसुन नहीं भी दे सकते हो, मैं दे रही हूँ। और अदरक 1 इंच का अदरक मैंने काट लिया है। इस तरह से सबको मिला के मुझे, और तो शाही जीरा 1 टीस्पून, और ये थोड़ा सा मगज मैंने लिया है, ये मगज, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम, ये दे करके मुझे मैंने बनाना है। देखिए, मैं गैस ऑन कर रही हूँ। पहले मैंने टमाटर देना है। पहले टमाटर देना है, पहले टमाटर देना है, फिर प्याज मैंने जरा रफली काट लिया है बड़े बड़े टुकड़े में, प्याज देना है, फिर मुझे ये अदरक, गरम मसाले, ये सब कुछ देना है। गैस कम कर देना है मुझे, और फिर मुझे ये थोड़ा मगज मैंने दिया है, ये मगज, थोड़ा सा मगज दिया है, 1 टीस्पून मगज, 1 टीस्पून शाहजीरा, ये देखिए 1 टीस्पून शाहजीरा। और ये 2 टेबलस्पून मुझे बटर दे देना है। ये देखिए बटर, अब थोड़ा सा मुझे पानी देना है। ये पानी देके इसको खौलाना है। थोड़े से मैंने काजू देने हैं, 8-10 काजू देने हैं। इस तरह से काजू में टूटे खाना, ये रसोई के लिए मैंने टूटे काजू मंगवाती हूँ, मतलब सब्जी में देने के लिए। ये देखिए टूटे काजू और बादाम, ये 4-6 बादाम, थोड़ा सा हिला देना इसको, थोड़ा सा गैस तेज करना है। ये मैंने गरम मसाले दिए हैं, ये जब खोल जाएगा और पक जाएगा
तब मैं इसे निकाल लूँगी, तब जाके पीसूंगी इसको। स्वाद अनुसार नमक, अब इसको पकने देना है, ये पक जाए बस। ये पिसते हैं, तो मैं कवर कर दे रही हूँ, ये पक जाए फिर मैं। ये देखिए मेरा ये सब नरम हो गया है, प्याज भी गल गया है और टमाटर भी हो गया है, ये सब मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये मेरा सब हो गया है। अब मैं इसे गैस बंद कर दूंगी और इस तरह से ये गरम मसाले जितने खड़े मसाले मैंने उठा लूंगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका महक, इसलिए मैंने इसको उठा लेना है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, इसके बाद इसको पीसना है। पीसने के बाद फिर मैंने छानना है। ये देखिए ये गरम मसाले सब मैंने उठा के रख दिए। ओके, अब इसे ज़रा ठंडा होने दीजिए। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इस तरह से पीस लिया है। अब मैं इसको छानूंगी। ओके, अब मैं इसको छानूंगी। छानने के लिए मैंने ये एक छन्नी ले लिया है। इस तरह से मैं छान लूंगी पूरा, फिर मैं अब मैंने गैस जलाना है। ये देखिए मेरा ये ग्रेवी के लिए मसाला जो मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से पका के रखा था वो चीज़ है, मैंने छान के बड़ी से स्मूथ एक ग्रेवी के लिए मैंने ये सब टुकड़ा हटा लिया है। जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा था वो सब मैंने हटा दिया। ओके, अब मैं गैस जलाऊंगी। गैस ऑन किया मैंने,
अब उसे बटर देना है। ये मैंने 2 टेबलस्पून बटर दिया। ये बटर से ही होता है, बटर से ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे आपको रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बटर से ही बनाऊँ। ये मैंने 1 टेबलस्पून लाल रेड चिली पाउडर दिया मैंने। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत ज़रा सा हल्दी पाउडर, बहुत ज़रा सा, बहुत ज़रा, देखिए बहुत ज़रा हल्दी पाउडर दिया मैंने। उसके बाद थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, कल गरम मसाला बाद में दूंगी, पहले थोड़ा सा धनिया, ये हरी धनिया। अब मैं ये 200 ग्राम की पनीर जो ली थी मैंने, उसको मैंने डाल देना है। मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला दूंगी, थोड़ा सा, बहुत स्लाइट। बस इतना, थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत गरम मसाला का फ्लेवर गया है, इसीलिए। तो ऐसा मैंने खोया खीर दे रही हूँ, खोया, थोड़ा सा खोया। आपके पास अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, आप मलाई भी दे सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने थोड़ा सा दे दिया। मैं खोया घर में बनाती हूँ, तो घर में बनाने से ज़रा अपने आँखों के सामने अच्छी तरह से बनता है और मुझे सेटिस्फेक्शन होता है, तो इसीलिए मैंने घर में ही खोया खीर सब बनाती हूँ। ये देखिए हो गया है अब मेरा। अब इसको दे देंगे, ये जो मैंने मसाला बनाया था। इसका पानी को भी दे दूंगी, ये जो कुकर मिक्सी धो के रखा था मैंने, वो पानी भी मैंने इसी में दे देना है। थोड़ा खोल जाए, किस तरह से क्रीमी टेक्सचर आया है। थोड़ा सा मुझे वो देना है नमक, थोड़ा सा हल्का सा नमक, हल्का सा नमक, ये हल्का सा नमक देना है। बहुत 1/4 टेबलस्पून, 1/4 टेबलस्पून, बहुत कम, थोड़ा सा चख के फिर आप दीजिएगा नमक, 2-3 बार पड़ने से नमक, और बटर से भी थोड़ा सा नमक
कम ही यूज़ होता है, कम लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मुझे ये शहद देना है, चीनी भी दे सकते हो आप, 1 टेबल स्पून शहद। थोड़ा सा खोल जाए, ये देखिए मेरा हो गया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसको अब मैं इसके जरा क्रीम दे दूंगी, ये अमूल क्रीम। ये देखिए, ये मेरा शाही बिरयानी, शाही पनीर तैयार है। खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव malachatterjee.com में शेयर कीजिए। अगले रेसिपी पे फिर मिलूँगी, धन्यवाद। ये देखिए शाही पनीर ये तैयार है, ये शाही पनीर तैयार है।